हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ मसूरी में, और ये जो ट्रिप है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मसूरी कैसे आएंगे, क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, सारे चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। मसूरी जाने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा देहरादून। देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है, यहीं से आपको सारे इंतज़ाम मिल जाएगा मसूरी जाने के लिए। और ये है मसूरी बस स्टैंड, ये देहरादून रेलवे स्टेशन का पास ही है। यहीं से आपको बस मिल जाएगा, शटल टैक्सी मिल जाएगा या प्राइवेट कार मिल जाएगा, जिससे आप मसूरी तक जा सकते हैं। तो हम लोग निकल पड़े बस से, तो इस तरह के नॉर्मल बसें होती है मसूरी जाने के लिए। और बस का जो किराया है वो है 80 रुपीस। अभी मैं 2023 का बात कर रहा हूँ। शटल जो टैक्सी होता है इसमें आपको भरा लगेगा 350 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप प्राइवेट कार लेते हैं तो इसका किराया होता है 1500 रुपये। तो जैसे जैसे आप लोग ऊपर चढ़ोगे तो आपको ये खूबसूरत व्यू यानी कि पूरा देहरादून सिटी नज़र आए। तो फाइनली हम लोग आके पहुंच गया मसूरी, और ये रहा मसूरी बस स्टैंड। आप जब भी बस में आओगे तो बस आपको यहीं पर उतार देगी, और यहाँ से आपको सीधा 150 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ना होगा, तब जगह आपको मिलेगा लाइब्रेरी चौक यानी कि गांधी चौक। और यह है बस का टिकट काउंटर, आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा बस में चढ़ने के लिए, और इसके बाजू में ही है टैक्सी स्टैंड। और यह है मसूरी का लाइब्रेरी चौक यानी कि गांधी चौक भी इसे कहते हैं। तो अब जब बस से उतर के आओगे तो पहले आपको यही स्पॉट मिलेगा, और इसके आसपास भी आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएगा रहने के लिए। और यहाँ से आपको रिक्शा भी मिलेगा आप पूरा मॉल रोड घूमने के लिए, मतलब एक तरफ है लाइब्रेरी चौक और दूसरी तरफ है पिक्चर प्लेस। करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो यहाँ से आप रिक्शा लेके पिक्चर प्लेस तक जा सकते हैं और होटल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। और ये लाइब्रेरी चौक के पास ही है ये खूबसूरत सा व्यू पॉइंट, जहाँ पे सारे लोग आके खड़े होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और यहाँ से आपको पूरा देहरादून सिटी का व्यू मिल जाएगा। और रात को ये प्लेस और भी खूबसूरत लगती है। ये है मसूरी का मॉल रोड, शाम के टाइम में यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ लगा रहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरफ है लाइब्रेरी चौक, दूसरी तरफ है पिक्चर पैलेस, ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मॉल रोड। तो यहीं पे आपको खाने पीने के लिए सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आपको अगर शॉपिंग वगैरह करना है तो इसी रोड पे आपको मिल जाएगा सारे दुकानें। अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो इसी मॉल रोड के आसपास ही आपको सारे दुकानें मिल जाएगी। और ये एक थिएटर हॉल भी है, और यहाँ पे एक वाइन शॉप भी है। अगर आपको टर्किश आइसक्रीम पसंद है तो इसका भी आनंद आप यहीं से उठा सकते हैं। और ये जो एरिया है ये लाइब्रेरी चौक का आसपास का एरिया है। अभी हम चलेंगे पिक्चर पैलेस के ओर। ये मॉल रोड का पिक्चर पैलेस एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी सारा भीड़ लगा रहता है शाम के टाइम में। यहाँ पे भी आपको शॉपिंग के लिए सारे दुकानें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आके रुक सकते हैं, ये भी बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया है। और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट बार सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा घूमते हैं ये पिक्चर पैलेस एरिया। यहाँ से भी आपको ये खूबसूरत व्यू नजर आएगी। ये थी पिक्चर पैलेस। तो ये था मसूरी में अपना डे 1। सुबह का शुरुआत हम लोगों ने किया मैगी के साथ। तो आज है डे 2 अपना मसूरी में। सुबह सुबह हम लोग आ गया एक स्कूटी भाड़ा लेने को। तो ये है मॉल रोड का लाइब्रेरी चौक एरिया, यहीं से आपको स्कूटी वगैरह भाड़े पर मिल जाएगा। तो पहले देखता हूँ स्कूटी कितना में मिलता है यहाँ पर। तो फाइनली हम लोगों ने एक स्कूटी भाड़े पे ले लिया, तो 500 रुपया बोल रहा था इसका, तो बार्गेनिंग करके 300 रुपया में लिया। तो स्कूटी का एक वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि स्कूटी में जो ये टैम वगैरह स्क्रैच वगैरह रहता है
बाद में ना क्लेम कर सके कि ये आपने किया। अभी सुबह सुबह मैं निकला हूँ कैंपटी फॉल्स घूमने के लिए। तो ये जो रास्ता है ये जाती है कैंपटी फॉल की तरफ, तो यहाँ से लगेगा 35 किलोमीटर, मतलब आना जाना। तो आप जब भी कैंपटी फॉल जाएंगे तो रास्ते में आपको व्यू है ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये रास्ता जो है सीधा यहाँ से जाती है ये कैंपटी फॉल की तरफ। मतलब हम लोग अभी ऊपर है तो हम जाएंगे अभी नीचे की तरफ। पहाड़ों में बाइक राइडिंग का मज़ा कुछ अलग ही होता है, और अगर आपके हम सफ़र अच्छी हो तो सफ़र और भी सुहाना होता है। हम आ गया कैंपटी फॉल्स, तो यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज़, और यहाँ से आपको सीधा जाना पड़ेगा नीचे की तरफ केबल कार के लिए। मेन रोड से कैंपटी फॉल तक जाने के रास्ते में आपको ये सारे दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रोपवे की ओर, तो चलिए। गया कैंपटी फॉल्स, तो हम लोग जाएंगे केबल कार थ्रू, क्योंकि और ऐसे भी जा सकते हैं आप लोग। यहाँ से नीचे से रास्ता है सीढ़ी चढ़ के, लेकिन बहुत लंबा जाना पड़ेगा इसलिए। तो हम लोग फाइनली आ गया कैंपटी फॉल्स, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये खूबसूरत नज़ारा कैंपटी फॉल्स का। और ये देखिए कैंपटी फॉल्स का असली खूबसूरती। यहाँ पे झरने के पानी में, मतलब पहाड़ों से बहता हुआ पानी में सारे लोग यहाँ पे नहा रहा है, मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है। यही खूबसूरती है इस कैंपटी फॉल्स का। गर्मी का सीज़न में यहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ लगा रहता है, अभी जैसे समर चल रहा है अभी। जो ये है कैंपटी फॉल्स, तो इस तरह मस्ती करने के लिए यहाँ पे टूरिस्टों का भीड़ लगा रहता है। अगर आपको नहाने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए तो ये यहाँ पे भाड़े पे मिल जाता है, ये इसका रेट है। चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। तो मैं सोचा मैं भी जाके थोड़ा नहा के आ जाता हूँ। नहा लिया कैंपटी फॉल्स में, और ये बहुत ठंड है पानी, और ऊपर से जो पानी गिर रहा है ना ऐसा लग रहा है बर्फ की छींटे पड़ रही है। कैंपटी फॉल्स में आके आप लोग ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकल गए कैंपटी फॉल्स से और जा रहे हैं अभी हम लोग कंपनी गार्डन की ओर। तो कैंपटी फॉल से निकल के हम लोग आ गया अभी कंपनी गार्डन। ये है कंपनी गार्डन, तो ये आपको रास्ता में ही पड़ेगा, ये कैंपटी फॉल के रास्ते में आता है। बेसिकली ये जो है एक फूलों की बगान है, तो ये देखने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं हर रोज़। तो हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लेता पूरा घूम के क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ एंट्री के लिए आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज़ पर हेड एंट्री फ़ी, और आप अगर बाइक लेके आते हो तो आपको 30 रुपीज़ यहाँ पे पार्किंग चार्ज लगेगा। ये बहुत ही बड़ा है, आप बहुत टाइम लगेगा इसको घूमने में। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा झरना है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ आके फ़ोटो खिंचा सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
यहाँ पे देखने का लायक ऐसा कुछ है नहीं, खाली ये फूलों की बागान है और ये एक झरना है, यहाँ पे नर्सरी है फूलों की, तो यही चीज़ भी यहाँ पे देखने के लिए आते हैं लोग। बात करूँ मसूरी की वेदर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कूल है, आज है 20th में, तो यहाँ पे अभी ठंड लग रही है। यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है, चाहे तो आप यहाँ पे अपना नाश्ता कर सकते हैं, और एक वॉक्स म्यूज़ियम भी है, इसका भी मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। तो कंपनी गार्डन देख लिया हमने, तो अभी जा रहे हैं फिर मना होटल में। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हम लोग उनका मसूरी में तीसरा दिन, थर्ड डे। तो अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं गन हिल पॉइंट देखने के लिए। तो ये है गन हिल पॉइंट जाने का केबल कार, तो 180 रुपीज़ लगता है पर हेड टिकट। ये जो दिख रहा है इस तरह से जाती है, ये ऊपर जाएगी, वो जो दिख रहा है वहाँ पे गन हिल पॉइंट। ये है गन हिल पॉइंट, यहाँ पे भी बहुत सारे शॉप्स वगैरह हैं जहाँ से आप लोग ख़रीदारी कर सकते हो, गेम्स वगैरह की है, सारे चीज़ है यहाँ पे। हाँ, मैजिक के लिए भी बुला रहा है कोई, मैजिक 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 है बोलता है। तो यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है इवनिंग को, तो हम लोग अभी आ गए, अभी कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, 12-1 बजे हम लोग आ गए, तो भीड़ कम है, इवनिंग का टाइम में बहुत भीड़ रहता है। यहाँ से पूरा आपको व्यू दिखेगा, तो चलिए दिखाता हूँ आपको आप लोगों को। एक शनिदेव का मंदिर भी है यहाँ पे, अगर आपको आना है तो इवनिंग में आइए, करीब 5 बजे यहाँ पे सनसेट होता है। तो ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे चेयर टेबल्स हैं, आप यहाँ पे आके फोटो भी खिंचा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, और बहुत ही बढ़िया है। ये देखो पूरा दिख रहा है, पूरा पहाड़ दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ आके बैठो, नाश्ता करो, जूस पियो, और ये व्यू का मजा लो, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से। तो ये अपना आ गया जूस और लस्सी। तो यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए कुछ है नहीं, यही दुकान है, शॉप्स है, मार्केट है, लोग आते हैं यहाँ पे इवनिंग का टाइम पे एंजॉय करते हैं, और यहाँ से व्यू देखता है, बस पूरा देहरादून सिटी दिखाई देता है यहाँ से। तो ये है गन हिल पॉइंट, तो इसमें आने के लिए आपको 180 रुपीज़ लगेगा केबल कार के थ्रू। तो गन हिल पॉइंट से निकल के हम लोगों ने एक स्कूटी रेंट पर लिया, तो अभी जा रहे हैं मसूरी के और जो बाकी सारे स्पॉट हैं वो देखने के लिए, तो चलिए हमारे साथ। अभी हम लोग आ गया घंटाघर, इसको क्लॉक टावर भी कहते हैं, तो ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है मसूरी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाल टिब्बा की ओर, तो रास्ते पे आपको ये चाट की दुकानें मिल जाएगी पहाड़ के ऊपर, ये चाट की दुकान है, यहाँ पे ज़्यादातर कपल्स का भीड़ लगा रहता है। और ये है लाल टिब्बा कैफे, यहाँ पे बैठ के भी आप लोग पूरा व्यू का मज़ा ले सकते हैं। तभी हम आ गए लैंड ओवर बैक हाउस में, ये है लाल टिब्बा के आसपास है, यही है बैक हाउस। तो अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है, तो यहाँ से फिर निकल जाएंगे, अभी जाएंगे मसूरी लेक। हम लोग अभी आ गए मसूरी झील देखने का, तो ये यहाँ पे ऐसे सीढ़ी उससे नीचे आना पड़ता है,
बहुत लंबा सीढ़ी है यार, जहाँ भी जाओ बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो जो भी हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये है मसूरी लेक। तो यहाँ पे आप लोग ये भूत बंगला का भी आनंद उठा सकते हो। तो यहाँ का जो एंट्री फी है वो 50 रुपीज़ है पर हेड। खाने पीने का भी दुकान है यहाँ पे। आप चाहते हो तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ये भी है जंपिंग बच्चों के लिए, पर पर्सन 50 रुपीज़। 7D सिनेमा भी है यहाँ पे। तो यहाँ के आप लोग तरह तरह की एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे पैराग्लाइडिंग, स्काईलाइनिंग, ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। ये है प्लेसेस है, यहाँ पे आप लोग ये तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये था अपना मसूरी ट्रिप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। और जाते जाते इसको भी ट्राई कर लिया, लेकिन बहुत डर लगता है भाई।